कांग्रेस के मेरे इस परिवार, जो परिवार आज मैं समझता हूँ कि न्याय की, सत्य की, धर्म की, अच्छे देश को अच्छे रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई लड़ रहा है, तपस्या कर रहा है इस दमनकारी सरकार के खिलाफ, उस कांग्रेस के परिवार के लिए समर्पित कुछ पंक्तियाँ पढ़ के, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ, तो कृष्ण की कुछ पंक्तियाँ पढ़ के, भगवान कृष्ण की वो चेतावनी जो उन्होंने घमंड से चूर कौरवों के लिए दी थी, महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले जो युद्ध टालने के उनके प्रयास थे, मगर कौरव माने नहीं, अपने घमंड में चूर थे। भगवान कृष्ण ने कहा पांडवों के बारे में, जो तपस्या कर रहे थे, जो तपस्या आप लोग कर रहे हैं इस दमनकारी सरकार के खिलाफ, अज्ञातवास से पांडव लौटे थे, भगवान कृष्ण ने कहा वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर कर। ओ कौरवो सुनो, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, आगे देखेंगे। ट्रेलर हमने दिखा दिया है, राजस्थान के उपचुनाव में, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में, अजमेर से लेके अलवर तक ट्रेलर हमने दिखा दिया है, और पूरी पिक्चर इनको 2019 के चुनाव में दिखाने का हम काम करेंगे। सही बात है, चिदंबरम जी ने सही कहा, आज अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, और अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए बार बार देश के शासक कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, कल खड़गे जी ने बताया था, मगर 70 साल, मैं मानता हूं इनकी बात में कुछ सच्चाई जरूर है, 70 साल के कुछ रिकॉर्ड इन्होंने भी बनाए, 70 साल के कैसे रिकॉर्ड बनाए जो शायद कभी ना बन पाए थे, क्या रिकॉर्ड बनाए 70 साल में, सबसे ज्यादा तेजी से अगर किसान कर्जवान हुआ है तो इन 4 सालों में हुआ है, किसान पे 2014 में 8 लाख करोड़ का कर्जा था पूरे देश में, जो बढ़कर आज 12,60,000 करोड़ का कर्जा, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा किसान पे बढ़ा है, इतनी तेजी से कभी किसान कर्जवान नहीं हुआ। 70 साल में बैंक का कर्जा सबसे तेजी से अगर डूबा है तो इनके 4 साल में डूबा है, किसान पे तो चौका मारा था, बैंक पे तो इन्होंने छक्का मार दिया, बैंक के कर्जे को डुबाने पे 1 लाख करोड़ से बढ़कर बैंक का डूबा हुआ कर्ज यानी कि NPA 6 लाख करोड़ तक पहुंचा है, और 2.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट राइट ऑफ हुए हैं, हमारे समय भी राइट ऑफ हुए थे, मगर किसान का कर्जा राइट ऑफ हुआ था 72,000 करोड़ का, इनके समय 2,500 करोड़ का, 2,500 करोड़ का कॉर्पोरेट का कर्जा माफी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम बहुत झूठी पार्टी हम लोग कहते थे, भाईचारा जलाओ पार्टी कहते थे, धर्म और जाति के नाम पे भाई को भाई से भिड़ाकर राजनीति करते हैं, अब एक और नाम हो गया है BJP, भाग जाओ पैसे लेकर, पैसे उठाओ और भाग जाओ, और RSS, रास्ता सारा साफ है, लोग जा रहे हैं, आज इनको जवाब देना पड़ेगा। 70 साल का एक और रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा गरीब और अमीर में अगर अंतर बढ़ा है 70 साल में, तो इन 4 साल में बढ़ा है, देश के 1% अमीर आदमी के पास 76% आबादी अंबानी और अदानी की संपत्ति में, इतना आधा इजाफा जो आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ। नोटबंदी जब लाए थे तो कहा था ये मार अमीरों पे है, गरीब को राहत मिलेगी, किसान को राहत मिलेगी, और आज नोटबंदी के 1.5 साल के बाद अंबानी अदानी की संपत्ति इतनी बड़ी जो आज तक देश में कभी नहीं बढ़ी, और गरीब आदमी की ग्रामीण अंचल में कृषि क्षेत्र में केवल 1% जो है इनकी संपत्ति बढ़ी है। मैं कहना चाहता हूँ अब चुनाव आएंगे, तराजू पे तोल के लोग फैसला करेंगे, लोगों को फैसला करना है, और हम लोगों के पास जाएंगे, हम बताएंगे हमने क्या कहा, ये बताएं इनने क्या कहा, इनने क्या किया, और लोग फैसला करें, हम बताएंगे हमने क्या किया, 72,000 किसान के कर्जा माफ किया, 72,000 का, आप बताओ आपने एक भी किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं किया है मोदी सरकार, हम बताएंगे हमने 12.5 करोड़ परिवारों को मनरेगा के माध्यम से गरीब परिवारों को रोजगार दिलाने का काम किया, आप बताओ मोदी सरकार आपने केवल पकोड़े तलने का सुझाव कैसे दिया, हमारे समय के अंदर खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी बिल लाए जिसको आपने क्रियान्वित नहीं किया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में एक 11 वर्षीय संतोषी भात भात करके मृत्यु हुई, उस संतोषी की जान बचाने के लिए
हमारी आर्थिक नीतियां चलती थी। आप बताओ भाजपा सरकार, आपके समय क्या, हमारे समय 14 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आए। आप बताओ आपके 4 साल में गरीबी के रेखा के नीचे ये परिवार कैसे गए। हम अपनी बताएंगे, आप अपनी बताओ, लोग फैसला करेंगे, फैसले का की घड़ी आ गई। और मैं कहना चाहता हूँ, ये कर लें जो करना है, जो कर सकते हैं कर लें। देश के लोगों ने मन बना लिया, इनका घमंड चकनाचूर होगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2019 में एक बार फिर आपका झंडा लाल किले पे और दिल्ली के अंदर फहराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।